सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में स्वतंत्रता दिवस के जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ज्यादा रौनक नहीं दिखेगी, क्योंकि इसे बेहद सूक्ष्म रूप में मनाया जा रहा है। कुछ गिनी चुनी टुकड़ियां ही इस बार मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगी। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर शानदार और आकर्षक परेड हो, इसके लिए मैदान में टुकड़ियां परेड की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। सोलन में रुक रुक कर हो रही बारिश से बेशक मैदान गीला हो गया है, जिस पर परेड करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी गारे में बदल चुकी है, जिसके चलते फिसलन भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी टुकड़ियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है और वे जोरों शोरों से परेड की तैयारियां कर रही हैं। एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अधिक जानकारी देते हुए एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने बताया कि इस बार पुलिस और होमगार्ड की चार टुकड़ियां ही परेड में भाग ले रही हैं। परेड बेहतर और आकर्षक हो, इसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। किसी भी तरह से उत्साह में कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी टुकड़ियों का जोश बरकरार है और परेड का अच्छा स्तर हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम जैसा भी रहेगा, लेकिन टुकड़ियां परेड में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगी। 15 अगस्त के लिए हमारे जवान पुलिस के और होमगार्ड्स के पूरी तैयारी के साथ पूरे जी जान से लगे हुए हैं। चाहे कोई भी मौसम होगा, लेकिन परेड उसमें की जाएगी। और अभी हम इनसे आज भी रिहर्सल कराएंगे, कल भी फाइनल रिहर्सल कराई जाएगी। मैम, इसमें हमारा यही रहता है कि हमारा जो परेड का स्तर है वो अच्छे स्तर की परेड हो, और चाहे कोई भी मौसम हो उसमें हम इसको कम्प्लीट पूरा करेंगे। इसमें चार प्लाटून हैं, दो पुलिस की हैं और दो होमगार्ड्स के प्लाटून से, कि हमारे जवानों का जो जोश है वो बरकरार रहे, मनोबल ऊंचा रहे और जो अपनी ड्यूटी है उसको बेहतर ढंग से परफॉर्म करें।